press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी का जबरदस्त इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चीजें जो मुसलमान करता है, पाकिस्तान से लेकर के भारत का मुसलमान करता है, मुसलमानों का पैंट का जिप हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों के पिजामे का नाड़ा हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों की आंखें हमेशा औरतों की छाती पर होती है, मुसलमानों की जुबान पर हमेशा औरतों के लिए अश्लील बातें होती हैं या गाली गलौज होता है, मुसलमान के दिमाग में हमेशा या तो किसी को लूटने, या तो किसी को झूठ बोलने, या तो किसी को धोखाधड़ी करने, या तो किसी के साथ विश्वासघात करने का दिमाग ही चलता रहता है। तो जब ये बात मैं बोल रही हूँ, तो भाई जो भी इस्लाम समाज के ठेकेदार है वो मुझे गलत साबित करे ना, वो मुझे गलत साबित कर दे कि हाँ नाज़िया तुम गलत हो। मेरा कहना है कि मैंने हिजाब नहीं पहना, मैं इस्लाम के हिसाब से बहुत बदकार औरत हूँ और मुझे बॉयकॉट करके, फतवा जारी करके मुझे बॉयकॉट करने की बातें उठती रहती हैं। मैं बाय प्रोफेशनल आई एम अ लॉयर, इसलिए शायद कुछ लोग बैकफुट कर जाते हैं और जितना अग्रेशन में मेरे खिलाफ आना चाहिए उतने अग्रेशन में नहीं आ पाते, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन मैं अपने बारे में बहुत अभद्र भाषा और बहुत अश्लील बातें भी सुनती हूँ। लेकिन क्या इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम धर्म के ठेकेदार उन मर्दों, उन मुसलमान मर्दों को इस्लाम से बॉयकॉट क्यों नहीं करते हैं जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने गैंग रेप किया हुआ है, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन किया है, जिसने इस्लाम के की बेटियों को 3 तलाक दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद की है, हलाला क्या है? प्रोस्टिट्यूशन का नंगा नाच है, निकाह मसियार क्या है? ठरकबाजी का नंगा नाच है, निकाह मुत्ता क्या है? पॉक्सो है छोटी छोटी बच्चियों पर और सेक्स प्लेजर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या है ये? ये सारी चीजें एक गंध है और कुछ भी नहीं है। तो मैं जो बातें रखती हूँ उन बातों पे अगर सच्चाई नहीं है तो आए मुल्ला मौलवी आकर के मेरे साथ या तो कन्फ्रंट करे, या तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक गैजेट इशू करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि ये बातें सही है और नाज़िया ये बातें गलत बोल रही है, पर वो तो नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि नाज़िया अली खान सही है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी आरिफ भाई कि इस्लाम के मानने वाली बेटियों को हिजाब पहनाने से बेहतर ये होगा कि ये इस्लाम धर्म के ठेकेदार नासर खान, खादर खान, आफताब जैसे बलात्कारियों को बॉयकॉट करे तो समाज में कुछ सुधार आ सकता है और मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ सुधार आ सकता है। हम बहुत सुधरे हुए हैं, मुसलमान बेटियां आज भी करोड़ों में एक या दो होती हैं जो हिंदू से शादी करती हैं, पर मुसलमान बेटे अगर 100 पकड़िएगा तो 90 हिंदू से शादी करता है और उसको नाम दे देता है कि हम तो जिहाद के नाम पे कर रहे हैं, हम तो कन्वर्शन करवा रहे हैं। भाई अगर मुसलमान समाज के ठेकेदार हिंदू बहू एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कलेजा बड़ा रखिए, दिल बड़ा रखिए, हिंदू दामाद भी अब एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं ये सब सोचती हूँ। नाज़िया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने प्रॉफिट मोहम्मद और आयशा की शादी की बात की तो पहले 4 खलीफा थे वो प्रॉफिट के समधी थे, सब प्रॉफिट के हम उम्र थे, सब ने एक दूसरे की बेटियों से शादी की। अबू बकर की बेटी से प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी की, उमर की बेटी से प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी की, बल्कि 2 बेटियों से की, अपनी 2 बेटियां उस्मान को दी, अपनी 1 बेटी अली को दी। तो ये उस उनका हिसाब किताब था और इनका जवाब मुझे भी आज तक नहीं मिला कि मुझसे, मेरी तो 23 साल की बेटी है लेकिन मुझसे अगर मेरी 12-15 साल की बेटी का कोई हाथ मांगने आएगा, मेरा दोस्त मेरी उम्र का, तो जिस तरह आपने कहा कि चमाट खींच के मारूंगी, मैं भी उसको मुक्का मारूंगा। तो आगे बढ़ते हैं नाज़िया जी, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हदीस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है और प्रॉफिट के गुजर जाने के बाद 250 साल के बाद हदीसें कंपाइल की गईं और ज्यादा वायोलेंस और गलत चीजें जो हैं वो हदीसों में घड़ी गई हैं। जैसे गजवाए हिंद का कभी भी कोई एग्जिस्टेंस नजर नहीं आया, अंग्रेजों के जमाने में गजवाए हिंद उठ के आई कि ये हदीस है, जबकि महमूद गजनवी 17 बार हिंदुस्तान पे हमला करता है, उसने कभी नहीं कहा कि मैं गजवाए हिंद करने आया हूँ,
ना गौरियों ने कहा ना मुगलों ने कहा, तो हदीसें प्रोफेट मोहम्मद बिन सलमान ने डिस्कार्ड कर दी है। लेकिन हमारे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो कहते हैं सऊदी काफिर हो गए, जहाँ पे इस्लाम पैदा हुआ, जहाँ पे कुरान आया उनकी अपनी जबान में आया, प्रोफिट मोहम्मद वाज एन अरब, वो काफिर हो गए। तो आप नहीं समझते कि आज भारत पाकिस्तान बांग्लादेश साउथ एशिया के मुसलमानों को भी रिफॉर्म करना चाहिए चीजों को। देखिए मैं गजवाए हिंद के लिए तो सबसे पहले ये बता दूं कि फतवा हैज नो प्लेस इन भारत, बिकॉज हम संविधान मानते हैं और संविधान इतना ज्यादा हमारे लिए अप्रोप्रिएट और इम्पोर्टेंट है कि फतवा की जगह मेरी जुत्ती के नोक पर है। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। सेकेंड थिंग इज कि मैंने MBS ने जिस हदीस को या बहिश्ती जेवर को बहिष्कार किया है, मैं उसके लिए उनको बाई रिटन कॉन्ग्रेचुलेशन की, बाई रिटन मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है। और जो मैंने पढ़ा है कि गजवा हिंद वो है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद खुद तलवार लेकर खड़े होते हैं और गला रेतते हैं, और सरीहा वो है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद नहीं होंगे, साहबा कराम और उनके उम्मत जो होंगे वो रेतेंगे गला। अब आती है बात के MBS जो है वो रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो मुसलमानों को रिफॉर्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन उन मुद्दों पर वो रिफॉर्म कर रहे हैं जहां पर वो जीत भी जा रहे हैं अल कुरान के हाथ में लेकर के। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बता दे रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई हिजाब हिजाब की जरूरत नहीं है। अब जंग चढ़ गई, हर कोई इस बारे में पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान जो सेम थॉट प्रोसेस के हैं वो खड़े हो गए, हिजाब तो कुरान कह रहा है। मैंने कहा कहाँ कह रहा है बता दो, कहाँ कह रहा है हिजाब का तो जिक्र पूरे 30-12 में किसी भी वर्सेस में किसी भी सूरा में है ही नहीं, हिजाब नकाब अबाया ये सब का जिक्र है ही नहीं। हाँ सूरे अल नूर के वर्सेस 30 और 31 में जिलबाब का जिक्र जरूर है, जो जिसका मीनिंग होता है लूजर आउटफिट, और वो भी तब कहा गया था जब तबलीग प्रॉफिट मोहम्मद की तबलीग के वक्त में और रास्ता चलती हुई औरतों के साथ अश्लीलता का बाजार चल रहा था, और तब एक फरिश्ता आ करके कहा कि भाई ऐसे कपड़े पहनाओ कि लोग मर्द जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि इस पर्दे के अंदर बीवी है कि माँ है कि बहन। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बहुत अप्रोप्रिएटली और बहुत बगौर अल कुरान को पढ़ करके रिफॉर्मेशन लाने की पूरी उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। अब आती है बात की अजान, उन्होंने लाउड स्पीकर बंद कर दिया। अब भाई प्रॉफिट मोहम्मद या हजरत अली या आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में लाउड स्पीकर तो हुआ नहीं करता था। अभी अभी हमने जिक्र किया कि पहला कुरान पब्लिश्ड ही हुआ 1939 में, मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम प्रिंटिंग मशीन को अपने इस्लाम के एंटर कर लेते हैं। तो अजान लाउड स्पीकर पे होगा तभी इस्लाम बचा हुआ रहेगा, ये तो कुरान इस बात की गवाही दे नहीं रहा है, कुरान तो कह ही नहीं रहा है। अब आती है बात रमजान में इफ्तार की, जो उन्होंने कह दिया है ये जो इफ्तार पार्टी जो मजलिस में होता था या मस्जिद के अंदर होता था, ये एक्चुअली में भीख मांगने का एक तरीका होता था। मुसलमानों को ना 1450 साल पहले काम करने की आदत थी, खटने और मेहनत करने की आदत थी, या शिक्षित होने की आदत थी, और ना अब। कहते हैं ना कि हम नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, तो उसी तरीके से मुसलमान है, मुसलमान इस्लाम को अपने सामने रख करके इस्लाम के कंधे पर बंदूक चला चला करके अपनी जिंदगी को लैविश करता है फितरा और जकात मांग करके। मैं तो इतना तक कह सकती हूँ कि मेरे भारत के लोगों को तो पता भी नहीं था कि जजिया होता क्या है, फितरा और जकात होता क्या है, वो तो मैंने चिक चिक करके बताया कि काइंड ऑफ भीख मत दो, प्लीज मत दो, भीख मांग रहा है ये इमाम बुखारी जो शाही इमाम है दिल्ली के जामा मस्जिद का, ये कोई काम नहीं करता, इसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी नहीं करता इसका बेटा, और ये फितरा जकात बोल बोल करके जजिया बोल बोल करके रेंज रोवर पर घूमता है और लव जिहाद कर रहा है अपने घर से, क्योंकि इमाम बुखारी को भारत में नबी कहा जाता है, उसके हाथ पैर चूमे जाते हैं, मुसलमान चूमता है, और उसके इकलौते बेटे को एक भी मुसलमान बेटी पसंद नहीं आई, हिंदू से शादी कर लिया। अब असदुद्दीन अवैसी से देख लीजिए, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी,
बहुत सारी बीवियां हैं उसके पास। तो भाई ये जितने भी ठेकेदार बन करके बैठे हैं, ये इस्लाम के नाम पर कटोरा लेकर के भीख मांग करके अपनी जिंदगी को लैविश कर रहे हैं। तो असल जितने भी हमारे जो सऊदी अरबिया के एमबीएस है उन्होंने इसको भी बंद कर दिया, एकदम सही कहा, एकदम सही किया। तो वो जितनी भी चीजें कर रहे हैं मुसलमानों को रिफॉर्म करने की, मुसलमानों को उनके एफर्ट और उनकी मेहनत पे उतारने के लिए, उनको शिक्षित करवाने के लिए, उनको इंसान बनाने के लिए, वो कुरान से ही निकाल करके अपने रिफॉर्मेशन का मुहिम छे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आरिफ अजाकिया के सवालों का नाज़िया खान जी ने बड़े ही बेहतरीन और बुलंद तरीके से जवाब दिया, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की निकाह मुद्दा की बल्कि बात की हलाला और कैसे मजहब के ठेकेदारों को नाज़िया खान जी ने उधेड़ के रख दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त धमाकेदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।